नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए। आज हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में। तो आप अगर अधिक अंक नंबर लाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझें और याद रखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश यानी जनता लोग जो गुस्सा किस दशक से आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, 1970 के दशक से जनता में आक्रोश हुआ सत्ता के प्रति, लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 दशक से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 2011 में भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्ना हजारे ने। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, जय प्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने की। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार में संपूर्ण क्रांति और छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, जय प्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जगजीवन राम बिहार के महान दलित नेता थे, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। महिलाओं द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, महिलाओं के द्वारा, यानी कि महिला जो है पेड़ से चिपक चिपक कर बूढ़े महिला तक बच्चे तक सब पेड़ से चिपक चिपक कर पेड़ को बचा रहे थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हो गया और महिलाओं ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। पर्यावरण की सुरक्षा।
चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा तभी होगा जब पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। महिलाएं पेड़ से, महिलाएं बूढ़े जवान महिलाएं सभी पेड़ से चिपक चिपक कर ठेकेदारों से पेड़ काटने से बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो चिपको आंदोलन कहां से हुआ शुरू? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, 2014 में। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। याद रखिएगा यह प्रश्न, देखिए 2019 में पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्मदा घाटी प्रश्न है, अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए सही है। दलित पैथर्न नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? तो
महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को, जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता पार्टी को। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से।